हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे 15.1 एक्सरसाइज के लिए एक और इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 15.1 में हम यूज करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन किए जहाँ पे हमने सिर्फ एक डाई को थ्रो किया है या एक कॉइन को टॉस किया है। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारी डाई इंक्रीज हो जाती है, हम एक की जगह पे दो डाई यहाँ पे थ्रो करेंगे, या फिर हम एक कॉइन की जगह टू कॉइन को टॉस करेंगे, थ्री कॉइन को टॉस करेंगे, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाई को अगर मैंने यहाँ पे थ्रो किया, तो हमारे यहाँ पॉसिबल आउटकम्स अभी हमने देखे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही थे। बस एक डाई को जैसे हम ये इस तरह से हमने ये थ्रो किया तो 3 आ गया, फिर हमने इस तरह से फिर थ्रो किया, हमने 6 आ गया, फिर हमने 1 किया। तो इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर हमारा आएगा, तो एक डाई के लिए हमारे ये पॉसिबल आउटकम से 6। लेकिन अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे एक डाई को ना थ्रो करके मैंने दो डाई ले ली, तो आप यहाँ पे देखो, इस पे भी 1 आया और इस पे भी 1 आया। ठीक है, अभी मैंने फिर से इनको इस तरह से थ्रो किया, इस पे 5 आया, इस पे 4 आया। तो दो डाई को यहाँ पे थ्रो करने पर कितने आउटकम्स आते हैं, कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो हम पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद उन आउटकम्स में से जो अलग अलग कंडीशन बनेगी किसी एक नंबर को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे यहाँ पे हमारी 6 थी, कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के आने की क्या है, 3 के आने की क्या है, 2 से ग्रेटर नंबर आने की क्या है, 6 से लेस नंबर आने की क्या है। तो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हम बनाई थी और हमने क्वेश्चन में दी थी और हमने कैलकुलेट की थी। तो डाई में हमारे सिर्फ दो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डाई हमारी और इंक्रीज होती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी 10th क्लास में जो सिलेबस में है, वो सिर्फ 2 डाई तक ही है। तो हम 2 डाई के पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे टेबल बना लेनी है। अब इस टेबल में देखो, हम कैसे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारी ग्रीन वाली डाई है, इसके नंबर हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, या फिर ग्रीन वाली डाई के हम इस तरफ, और ये जो व्हाइट वाली डाई है इसके नंबर हम इस तरफ लिखते हैं। तो व्हाइट वाली डाइस पे हमारे टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये वाली जो हमारी डाइस है ग्रीन वाली, इसके नंबर हम यहाँ ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको ये पॉसिबल आउटकम सारे पता होने चाहिए। लेट की ये जो हमारी ग्रीन वाली डाई है और ये हमारी जो व्हाइट वाली डाई, इन दोनों को हमने इस तरह से थ्रो किया, इस पे हमारा 6 नंबर आया, इस पे 1 नंबर आया। तो जितने भी पॉसिबल नंबर्स इस पे आएंगे वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। कि लेट की सबसे पहले जो मेरी ग्रीन वाली है, उस डाइस पे हमारा 1 आ गया, और ये वाली आपको इस तरह से रिलेट करना है, इसका नंबर पहले लिख लो, इसका बाद में लिख लो। तो इस पे हमारा क्या आ गया, 1 1 1। तो ये हमारा दोनों पे 1 1 नंबर पॉसिबल है। फिर इस वाले पे हमारा 2 आ गया, और यानी ब्लैक वाली, ये जो ग्रीन वाली डाई है, इस पे हमारा 2 आया, और इस पे हमारा यहाँ पे नहीं, ग्रीन वाली पे हमारा यहाँ जो इस पे हमारा ब्लैक ही आएगा। पहले हम ये नंबर लिख रहे हैं, टेबल आपको इस तरह से बनानी है, इस पे ब्लैक आएगा और इस पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2। फिर इसके ऊपर हमारा 1 ही रहेगा, 1 3। तो ये 1 के साथ हमारी यहाँ पे क्या हो सकती है, पैरिंग हो सकती है। 1 के साथ इस पे 3 आ जाएगा, फिर इसमें 1 के साथ हमारा, और ये जो हमारी व्हाइट वाली डाई है, इस पे 4 आ जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे पॉसिबल है, 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। फिर हमारा इस पे तो 1 और इस पे 1 ही रहेगा, फिर इस पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ सकता है और इसके साथ हमारा यहाँ पे 6 आ सकता है। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए जो 1 1 के साथ बनेंगे। यानी पहले नंबर को आपको एज इट इज राइट करना है और इनको आपको चेंज करते जाना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर दूसरी वाली जो डाइज है, उस पे लट की सब पे हमारा 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 2 2 2 और 2। अब ये वाली डाइस के हम नंबर चेंज कर रहे हैं, तो 2 के साथ हमारा 1 आ सकता है, 2 के साथ हमारा 2 आ सकता है, 2 के साथ हमारा 3, देन 2 के साथ हमारा 4, देन 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। यानी कि 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। तो सेम यहाँ पे भी, इस पे ग्रीन वाली डाइस पे सब पे हमारा 3 3 3 3 3, और इसके साथ में जो ग्रे व्हाइट वाली डाई है उसके साथ में हमारा 1 आ जाए, या फिर यहाँ पे 2 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ हमारा 4 आ जाए, 3 के साथ हमारा 5 आ जाए, या फिर 3 के साथ हमारा 6 आ जाए। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल एग्जाम में बना लेनी है। देखो, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। अब 4 के साथ इस वाली डाइस का 1 आ जाए, फिर दूसरी वाली डाइस का 2, फिर इस डाइस का हमारा 3, फिर यहाँ पे 4,
फिर फाइव और सिक्स, तो इस तरीके से इजी से आपकी क्या यहाँ पे क्या बन जाएगी टेबल, फाइव 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 फाइव, यहाँ सिक्स 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 सिक्स, और यहाँ पे फाइव के साथ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वन आ सकता है, फाइव टू आ सकता है, फाइव थ्री आ सकता है, फाइव फोर आ सकता है, फाइव सिक्स आ सकता है, फाइव सेवन आ सकता है, ये इस तरह से यहाँ देखो इस डाइस पे फाइव आ गया, इस पे वन आ सकता है, फिर इस पे फाइव ही है, इस पे टू भी आ सकता है, फाइव के साथ टू आ सकता है, फिर फाइव के साथ हमारा यहाँ थ्री आ सकता है, फाइव के साथ हमारा यहाँ फोर आ सकता है, तो इस तरह से ये पेयरिंग बन रही, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा सिक्स के साथ वन आ सकता है, सिक्स के साथ टू, सिक्स के साथ थ्री, सिक्स के साथ फोर, सिक्स के साथ फाइव, और सिक्स के साथ हमारे यहाँ सिक्स। तो आप यहाँ पे देखो ये टेबल बनाने से क्या होगा, कोई भी एक नंबर आपका रिपीट नहीं होगा कि आपने फोर टू यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो इस तरह से आपके टेबल बनाने से एक जो आपके टोटल पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आप लिख सकोगे, और कोई भी नंबर यहाँ पे हमारा रिपीट नहीं होगा। बाकी इसको फाइंड करने का टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ कितने हो गए, 36 हो जाएंगे। देखो सिक्स इस लाइन में, सिक्स इस लाइन में, तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितनी बार हो गया, सिक्स टाइम हो गया, तो सिक्स इंटू सिक्स हमारा कितना हो गया 36, और आप एड करोगे तब भी हमारा यहां पे कितना आएगा 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स फॉर टू डाइस इक्वल टू हमारा यहां पे कितना हुआ 36 हो गया। अब थ्री डाइस वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, और इस यहाँ पे टोटल पॉसिबल अगर टू डाइस आपने थ्रो किए और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको फाइंड करने हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 36 फाइंड करने का, कि एक डाइस पे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है सिक्स, और हमने यहाँ पे डाई कितनी थ्रो की है, टू डाई को हमने थ्रो किया है, तो आप यहाँ पे क्या करो सिक्स पावर टू कर दो, ये हमारे टोटल जो एक डाइस पे पॉसिबल आउटकम्स है वो, और ये कितनी डाइस हमने यहाँ पे थ्रो किए, नंबर ऑफ टाइम्स हमने डाइस जो थ्रो किए, तो सिक्स पावर टू भी हमारे यहाँ से कितना आएगा 36। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये अगर यहाँ पे अगर हमने थ्री डाइज लिया, अगर यहाँ पे हमारी टू डाइज ना होके यहाँ पे थ्री डाइज होती, थ्री डाइज होती, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होता, सिक्स पावर थ्री हो जाता, यानी सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, यानी कि 36 इंटू सिक्स, तो ये हमारा हो जाता 216। ठीक है, तो 216 पॉसिबल आउटकम्स आपको यहाँ लिखने पड़ते हैं, तो थ्री डाइस के लिए क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे टू डाइस के लिए आएगा, और आप ये टेबल इजीली बना सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक आपका यह क्वेश्चन आएगा कि टू डाइस को आप साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, यानी कि एक साथ हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, जैसे मैंने ये थ्रो किया दोनों पे वन वन आ गया, ये हमारा पहला हो गया, फिर मैंने यहाँ पे फिर से थ्रो किया, एक पे फाइव आ गया, एक पे टू आ गया, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो इस तरह से डाइस को थ्रो करो, या फिर एक ही डाइस को आप दो बार थ्रो करके और ये पॉसिबल आउटकम्स लिखो, जैसे मैंने अब मेरे पास किसी के पास दो डाई थी, तो उसने दोनों डाई को थ्रो करके डेटा बना लिया। अब किसी के पास दो डाई नहीं है, एक ही डाई है, तो वो डेटा नहीं बना सकता है। एक डाई को मैंने थ्रो किया, थ्री आया, तो मैंने पहले यहां पर थ्री लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी बार मैंने फिर से थ्रो किया, फाइव आया, तो ये मैंने थ्री फाइव, यानी कि एक डाई को दो दो बार थ्रो करके ये डेटा बनाओ, या फिर दो डाई को एक साथ थ्रो करके ये डेटा बनाओ, एक ही बात है। तो क्वेश्चन जब आपका इस तरह से आता है कि हमने एक डाई को थ्रो करके टेबल बनाइए तब भी, और दो डाई को थ्रो करके टेबल बनाइए तब भी, हमारा टेबल सेम बनेगा और सॉल्यूशन भी हमारा सेम होगा, सेम प्रोसीजर हमारे क्वेश्चन का होगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमने यहाँ पे किया है, एक डाई से ये टेबल बनाइए या फिर दो डाई से टेबल बनाइए, बात एक ही है। अब दूसरी बार आप यहां पे देखो, अब हम यहां पे दूसरी बात करते हैं कॉइन की, कॉइन को अब यहां पे थ्रो करना, ये तो हमारे यहां पे बन गई डाइस के लिए। अब इसमें आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि यहां पे पॉसिबल, आप यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि दोनों डाइस पे सम हमारा थ्री आना चाहिए, दोनों डाइस पे सम थ्री आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, टू प्लस वन थ्री है, वन प्लस टू थ्री है, बाकी कहीं पे भी आपका सम थ्री नहीं आएगा, थ्री से ग्रेटर ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दो बार हमारा यहाँ पे सम थ्री आ रहा है, तो टू बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 36, तो 2/36 हो जाएगा। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जब हम मल्टीपल कॉइन को थ्रो करते हैं, मल्टीपल कॉइन के लिए कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया, तो सबसे पहले इसमें हमारे दो ही आउटकम्स है, या तो हेड है या फिर टेल है,
ठीक है, इजी। जैसे यहाँ पे वन डाई में ये सिक्स आउटकम्स थे और एक कॉइन में ये दो आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे मैंने दो कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस ना करके मैंने यहाँ पे कितने कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को यहाँ पे टॉस किया, तो इसके भी दो ही आउटकम्स होंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा। अब साथ में टॉस किया, यहाँ पे दो कॉइन को क्या किया, साथ में टॉस किया, तो अब आप यहाँ पे देखो, इस पे हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, ठीक है, इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, वो भी पॉसिबल है, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, वो भी पॉसिबल है, और दोनों पे टेल आ जाए, वो भी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई रिपीट ना हो यहाँ पे। तो ये जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाई, सेम वैसे ही हम बना लेते हैं। ठीक है, पहले वाले पे हमारा हेड टेल और इस वाले पे भी हमारा हेड और टेल, तो यही हमारी कंडीशन है। पहले वाले कॉइन पे हमारा हेड आ जाए, दूसरे वाले पे हमारा टेल आ जाए, फिर पहले वाला, ये पहले वाला पहले लिखना हैड आ जाए, दूसरे वाले पे हमारा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ हेड, हेड के साथ यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, ये हेड के साथ हेड आया, फिर हेड के साथ कौन आ जाए, हमारा टेल आ जाए, फिर पहले वाले पे हमारा टेल आए और दूसरे वाले पे हमारा यहाँ पे हेड आ जाए, फिर पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे भी क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो चारों हमारे अलग हो गए। तो ये आपके क्या है, टू कॉइन के लिए, दो कॉइन को हमने जब एक साथ टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे कौन हुए, ये चार हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हुए, इनके बाद हमारा कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कॉइन है, कॉइन के कितने पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे, टू, और कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है, दो कॉइन है और यहाँ पे टू कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो टू पावर हमारी कितनी होगी, टू। तो यही सेम बात है, एक कॉइन को दो बार टॉस करो या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस करो, कॉइन तो हमारे दो है, यानी ये दो दो कंडीशन आ रही है, तो टू पावर टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर। तो टोटल इस कंडीशन के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये आपको समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर टू कॉइन, तो वो हमारे कितने आएंगे, फोर। तो ये फोर कौन कौन से, एक ही हो गया, ये हो गया हेड, हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हम टू कॉइन लेते हैं। अब टू हमारा यहाँ पे टू कॉइन का हो गया, अब हम थ्री कॉइन का यहाँ पे ट्राई करते हैं कि थ्री कॉइन होने पर क्या हो? तो आप यहाँ पे देखो, इसकी टेबल हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे ये फर्स्ट जो टू कॉइन वाले हमारे नंबर आ चुके हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले पे हमारे दोनों हेड आया, फिर हमारा हेड टेल आया, फिर टेल हेड आया और फिर टेल टेल आया, और दूसरे कॉइन पे हमारा या तो हेड आ सकता है या फिर हमारा टेल आ सकता है। तो अब बड़े इजीली जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया वैसे ही हमें बनाना है, नहीं तो मैं आपको ओरल मेथड बताती हूँ कैसे बनाना है। तो हेड के साथ हमारा यहाँ पे दोनों हेड आ सकते हैं, इस हेड के साथ में ये दोनों हेड आ जाए, या फिर इस हेड के साथ में, यहाँ पे तो हमारा बार बार हेड ही आएगा, उसके साथ में हमारे कौन कौन आ सकते हैं, हेड टेल आ जाए, फिर ये दोनों टेल हेड आ जाए, या फिर दोनों ही टेल आ जाए, फिर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सारी जगह है टेल आएगा, और उसके साथ में ये हमारा टेल के साथ में दोनों हेड आ जाए, या फिर ये हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर दोनों टेल आ जाए। तो अब इसको देखो, इजी बनाने का एक और तरीका भी है। अब जब आपको थ्री कॉइन लेना है तो आप कैसे बना सकते हो, देखो पहला कंडीशन ये कि तीनों पे हेड आ जाए, एक बार आप ये लिख लो, तीनों हेड और तीनों टेल लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया आपने, दो तो आपने लिख लिया, टोटल एट हो रहे ना हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे, तो ये जो हमारे एट है ये हमारी टेबल है, ठीक है, ये एट हमारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो एक बार तीनों पे हेड लिख लो, एक बार तीनों पे टेल लिख लो, फिर आप क्या करो, फर्स्ट टू पे हेड लिखो, फिर टेल लिख लो, फिर आप क्या करो, एक बार टेल है ना, इसको यहाँ पे इसकी प्लेस चेंज करती रहनी, एक बार ये लास्ट में आ गया, अब सेंटर में आ जाएगा, फिर फर्स्ट में आ जाएगा, अब ये सेंटर में आ जाएगा तो हेड इधर आ गया, अब ये फर्स्ट में आ जाएगा तो हेड हेड इधर आ गया, इस तरह से। अब यहाँ तीनों टेल है तो अब यहाँ पे आप क्या क्या करो, लास्ट में आप दो टेल ले लो, तीन के बाद तो दो ही आएंगे, सबसे मैक्सिमम तो थ्री आएंगे, थ्री कॉइन है तो थ्री टेल आएंगे, उसके बाद हमारे टू टेल आएंगे तो एक हेड आएगा, हेड हमने लास्ट में लिख लिया, अब आप इसको बीच में लिख लो, और नहीं अब इसको हम पहले लिख लो, तो ये हो गए चार और चार आठ हो गए। तो इसको आपको अरेंजमेंट आपको आ गया, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से बनाते हो, तीन लिख लो, फिर दो दो लिखने, और टेल को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कर दो, फिर टेल लिख लिया, फिर दो टेल लिख लिया, तीन के बाद दो ही तो टेल आएंगे, फिर हेड को यहाँ पे लास्ट सेंटर और फर्स्ट पे लिख लो, वैसे ही हमने तीन हेड लिखे, फिर दो हेड लिखना है, फिर लास्ट फर्स्ट और सेंटर, सेंटर और फर्स्ट लिख लिया। तो ये भी हमारा अरेंजमेंट का तरीका है। अब आप यहाँ पे देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कैसे होंगे,
तो यहाँ पे इसके एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टू कॉइन हमने कितने लिए यहाँ पे, थ्री। चाहे तीन कॉइन को एक साथ टॉस करो या एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करके आप ये लिखो, एक कॉइन को एक बार टॉस किया पहली बार हेड आया, दूसरी बार टॉस किया फिर हेड आया, तीसरी बार टॉस किया फिर हेड आया। तो ये इस तरह से भी हम डेटा यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब टू टू इसके पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टू। तो टोटल यहाँ पे थ्री कॉइन है तो 2 पावर 3, तो यहाँ टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 3 कॉइन इक्वल टू हमारे कितने होंगे, 8 होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है, कॉइन के लिए हमारा 2 पावर n होगा और डाइस के लिए हमारा 6 पावर 2 होगा। इसमें तो वैसे भी आपका एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, 1 डाइस या 2 डाइस। तो 1 डाइस के लिए 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 डाइस के लिए 36 होते हैं। कॉइन के लिए आपका चेंज हो जाएगा, कॉइन में अगर 2 कॉइन लिए तो 2 पावर 2 4 होंगे, 3 कॉइन लिए तो 2 पावर 3 हमारे यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ जो हमारा n है वो आपको क्या करना है, एन आपको यहाँ पे जितने कॉइन, जितनी बार आप जितने कॉइन ले रहे हो, जितनी बार टॉस कर रहे हो, उन दोनों में से हो सकता है ये आपके क्या यहाँ पे उनके पॉसिबल आउटकम्स है। जो तुम्हारा 2 नंबर है वो कॉइन का पॉसिबल आउटकम्स है और यहाँ पे 6 नंबर हमारा डाइस का पॉसिबल आउटकम्स है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे है 22, 23, 24, जो है 15.1 के चारों क्वेश्चन ही इसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।